हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेक्स्ट क्लासेज। आज मैं फिर से आपको सेकंड लेक्चर लेकर आया हूं। किसका? तो द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण का सेकंड लेक्चर लेकर आया हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मेरा ये हो गया था जो फार्मूले मैं करवा रहा था। और ये ध्यान रखे कि ये फार्मूले जो है IIT लेवल के क्वेश्चन तक को हल कर ले जाएगा। अगर इस फार्मूले को आप याद करके रखते हैं और इसका जो भी होगा यूजेज उसको समझते हैं कि यूज कैसे किया जाएगा, कहां पर कैसे लगाया जाएगा, तो आप 100% किसी भी क्वेश्चन को, क्वालिटी के क्वेश्चन में का किसी कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हुआ था इसका दो द्विघात समीकरणों के उभयनिष्ठ मूल तक का हुआ था। अब हम देखेंगे चार नंबर विशेष स्थितियों में मूल, चार नंबर विशेष स्थितियों में मूल। ठीक है, विशेष स्थितियों में मूल। हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण क्या होता है, ax² + bx + c = 0 होता है। ठीक है, तो इसके मूल वास्तविक है तो कैसे क्या होगा? यदि b = 0 होगा तो क्या होगा, c = 0 होगा तो क्या होगा, और a = c होगा तो क्या होगा? यदि a > 0 और c < 0 होगा, या फिर a < 0 होगा और c > 0 होगा तो क्या होगा? ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम बात करेंगे। लिखेंगे हम पहले माना द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, ठीक है, के मूल वास्तविक है तथा के मूल वास्तविक है तथा, ठीक है, वास्तविक है तथा फर्स्ट नंबर ए नंबर, देखिए यदि यदि ए जो सॉरी यहाँ पर पहले मैं बी वाला लिखूँगा, b = 0 हो तो क्या होगा? यदि b = 0 हो तो मूल जो होंगे उसके, जो भी ax² + bx + c = 0 के मूल क्या होते हैं, हमने माना था अल्फा और बीटा। तो जो मूल होंगे परिमाण में समान होंगे किंतु चिन्ह में विपरीत होंगे। यदि b = 0 हो गया तो आप निकाल करके देख लीजिएगा, यदि b = 0 है तो क्या होगा, मूल परिमाण में समान होंगे तथा चिन्ह जो होंगे उसके विपरीत होंगे। चिन्ह क्या होंगे, उसके विपरीत होंगे। मैं हिंदी में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप देखेंगे तो YouTube पर सबसे ज़्यादा IIT लेवल का जो भी पढ़ाते हैं वो इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं, और हिंदी जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए होते हैं बच्चे और उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसलिए मैं हिंदी मीडियम से ही पढ़ा रहा हूँ आप सबको, और आप लोग इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा उठाएँ और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए, ए नंबर हो गया, यदि b = 0 हो तो मूल जो होंगे आपके परिमाण में समान होंगे तथा उसके जो चिन्ह होंगे वो विपरीत होंगे। ये बातें समझ आ गई। बी नंबर, यदि c = 0 हो तो क्या होगा, यदि c 0 हो जाए तो एक मूल शून्य होगा तथा अन्य जो मूल होगा उसका जो वैल्यू आएगा -b/a होगा। ठीक है, तो एक मूल, एक मूल क्या होगा, मूल शून्य होगा तथा अन्य मूल, अन्य मूल जिसका जो मान होगा, अन्य मूल -b/a, तो अन्य मूल क्या होगा,
माइनस बी बाई ए होगा। समझ में आ गई। चलिए सी नंबर की बात कर लेते हैं। सी नंबर की बात कर रहे हैं, यदि ए बराबर सी हो जाए, यहाँ पर ए का वैल्यू सी के बराबर हो जाए, हम अनुमान कैसे लगा लेंगे, कैसे लगाएंगे कि मूल परिमाण में समान होंगे, चिन्ह में विपरीत होंगे, मूल शून्य होगा, अनिमूल माइनस बी वाई होगा। तो हम इसमें चेक करेंगे, यदि बी इक्वल टू जीरो हो जाए, ये जीरो हो जाए तो परिमाण में समान होंगे तथा चिन्ह विपरीत होंगे। यदि सी इक्वल टू जीरो हो जाए, ये पार्ट जीरो हो जाए तो एक मूल शून्य होगा तथा अनिमूल माइनस बी वाई होगा। ठीक है, चलिए सी नंबर की बात कर लेते हैं। यदि ए बराबर सी हो जाए, यदि ए बराबर सी हो, यदि ए बराबर सी हो तो क्या होगा, एक मूल जो होंगे दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, यानी कि एक मूल बी मान के चलो तो दूसरा मूल वन बाई बी होगा। ठीक है, तो मूल जो होंगे, मूल एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे डी नंबर की। यदि ए इज ग्रेटर देन जीरो, यदि ए इज ग्रेटर देन जीरो हो, या फिर सी इज लेस देन जीरो, सी इज लेस देन जीरो, ए इज ग्रेटर देन जीरो हो और सी इज लेस देन जीरो हो, या फिर ए इज लेस देन जीरो हो और सी इज ग्रेटर देन जीरो हो, तो इसके जो मूल होंगे विपरीत चिन्ह के होंगे। इसके मूल क्या होंगे, मूल जो होंगे विपरीत चिन्ह के होंगे। बातें समझ में आ रही है। चलिए अब हम बात करेंगे ई नंबर। यदि ए इज ग्रेटर देन जीरो हो, बी इज ग्रेटर देन जीरो हो, सी इज ग्रेटर देन जीरो हो, या फिर ए इज लेस देन जीरो हो, बी इज लेस देन जीरो हो, सी इज लेस देन जीरो हो, तो जो दोनों मूल जो होंगे उसके वो ऋणात्मक होंगे। ठीक है, यदि ए इज ग्रेटर देन जीरो, बी इज ग्रेटर देन जीरो, सी इज ग्रेटर देन जीरो और ए इज लेस देन जीरो, या फिर बी इज लेस देन जीरो एंड सी इज लेस देन जीरो, ये तीनों मतलब फॉलो करना चाहिए, या फिर या तो ए इज लेस देन, ए इज ग्रेटर देन जीरो, बी इज ग्रेटर देन जीरो, सी इज ग्रेटर देन, ये तीनों होना चाहिए, या फिर ए इज लेस देन जीरो, बी इज लेस देन जीरो, सी इज लेस देन जीरो, ये होना चाहिए। तो क्या होगा, तो जो होंगे दोनों जो मूल होंगे वो क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे, दोनों मूल ऋणात्मक होंगे। ठीक है, बातें समझ में आ रही है। मेरी रफ्तार थोड़ी धीरे धीरे है जनाब, लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए नोट कीजिए इसे। चलिए वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, मैं इसे अब मिटा रहा हूँ। कहाँ तक बात हो गई थी, ई तक बात हो गई थी, अब एफ की बात करेंगे हम। फार्मूला नंबर एफ, यदि ए इज ग्रेटर देन जीरो, बी इज लेस देन जीरो और सी इज ग्रेटर देन जीरो हो, या फिर ए इज लेस देन जीरो, बी इज ग्रेटर देन जीरो, सी इज लेस देन जीरो हो, तो दोनों जो मूल होंगे एकदम धनात्मक होंगे। क्या लिखेंगे, यदि ए इज ग्रेटर देन जीरो, बी इज लेस देन जीरो, सी इज ग्रेटर देन जीरो, या फिर ए जो ए इज लेस देन जीरो, बी इज ग्रेटर देन जीरो, सी इज लेस देन जीरो हो, तो दोनों जो मूल होंगे वो क्या होंगे, धनात्मक होंगे। तो दोनों मूल धनात्मक होंगे।
बातें समझ में आ रही है। चलिए अब जी नंबर की बात कर लेते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जी, ये आप अगर याद करके रखते हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन किसी भी प्रकार के बनता हो आप सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए यदि ए का चिन्ह, यदि ए का चिन्ह बराबर बी का चिन्ह बट डज नॉट इज इक्वल टू सी का चिन्ह, ठीक है, तो क्या होगा, ऋणात्मक मूल जो होगा परिणाम में बड़ा होगा, तो देन ऋणात्मक जो मूल होगा आपका, ऋणात्मक मूल परिमाण में जो होगा वो बड़ा होगा, बातें समझ में आ रही है। यदि ये नियम जो है, ये वाले नियम फॉलो करता है, ठीक है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नियम फॉलो करता है, तो ऋणात्मक मूल जो होगा परिमाण में बड़ा होगा, ठीक है। चलिए अब एच नंबर की बात कर लेते हैं। यदि बी का चिन्ह बराबर सी का चिन्ह डज नॉट इज इक्वल टू ए का चिन्ह, तो धनात्मक मूल क्या होगा, परिमाण में बड़ा होगा। यदि बी का चिन्ह बराबर सी का चिन्ह बराबर सी का चिन्ह बट डज नॉट इज इक्वल टू ए का चिन्ह, देखिए यहाँ पर एक बी का चिन्ह माइनस है तो सी का भी चिन्ह माइनस होगा, लेकिन वहाँ पर ए का चिन्ह प्लस हो जाएगा, ठीक है, तब क्या नियम में ये फॉलो होगा, धनात्मक मूल जो होगा उसका परिमाण में बड़ा होगा, क्या लिखेंगे, धनात्मक मूल परिमाण में बड़ा होगा, बातें समझ में आ रही है। चलिए अब हम बात करेंगे आई नंबर की, फार्मूला नंबर आई। यदि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो हो तो एक मूल क्या होगा, तो एक मूल वन तथा दूसरा मूल जो होगा आपका सी बाई ए होगा, सी बाई ए होगा, बातें समझ में आ रही है, सी बाई ए होगा। अब चलिए हम बात करेंगे द्विघात व्यंजक का अधिकतम तथा न्यूनतम मान की बातें करेंगे, लेकिन ये पहले आप नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कीजिए, फटाफट नोट करके देखा, चलिए अब मैं इसे मिटाता हूँ। देखिए द्विघात व्यंजक का अधिकतम एवं न्यूनतम मान कब होता है, मान लो अगर व्यंजक दे दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू जीरो का अधिकतम एवं न्यूनतम मान पूछ दे, तो क्या लिखेंगे, एक्स का जो माइनस बी बाई ए पर जो माइनस बी बाई टू ए पर जो होगा माइनस डी बाई फोर ए, और ए इज लेस देन जीरो या ए इज ग्रेटर देन जीरो के अनुसार होता है, ठीक है ना, अधिकतम या न्यूनतम मान। तो वाई बिलोंग्स टू माइनस डी बाई फोर ए से इन्फिनिटी होगा यदि ए इज ग्रेटर देन जीरो होगा तो, ठीक है, यानी कि अधिकतम मान इन्फिनिटिव यदि ए इज ग्रेटर देन जीरो हो तो, तथा वाई बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटिव से माइनस डी बाई फोर ए यदि ए इज लेस देन जीरो हो तो होगा। चलिए हम इसे नोट कर लेते हैं, पांच नंबर द्विघात व्यंजक का, द्विघात व्यंजक का अधिकतम तथा न्यूनतम मान,
ये कब होगा, कब होगा? समझिए, द्विघात समीकरण का अधिकतम तथा न्यूनतम मान अब हम लिख लेते हैं। व्यंजक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू जीरो, ठीक है ना, का अधिकतम तथा न्यूनतम मान, का अधिकतम तथा न्यूनतम मान, अधिकतम तथा न्यूनतम मान एक्स इजकल टू माइनस बी बाई टू ए, एक्स इजकल टू माइनस बी बाई टू ए, ठीक है ना, पर माइनस डी बाई फोर ए, ठीक है ना, जहाँ जो होना चाहिए ए जो होना चाहिए इज लेस देन जीरो, और या फिर ए इज जो होना चाहिए इज ग्रेटर देन जीरो के अनुसार होता है। ठीक है, चलिए हम नोट कर लेते हैं। y बिलोंग्स टू माइनस डी बाई फोर ए से इन्फिनिटी तक होगा। कब होगा? यदि a इज ग्रेटर देन जीरो हो तब, यदि a इज ग्रेटर देन जीरो हो, ठीक है ना, तथा y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटिव से माइनस डी बाई फोर ए कब होगा? जब ए इज लेस देन जीरो हो, यदि ए इज लेस देन जीरो हो। बातें समझ में आ रही है? अब हम मूलों की प्रकृति यानी कि मूलों की स्थिति के बारे में हम पता करेंगे। ठीक है, मूलों की स्थिति के सॉरी मौलिक मूलों की स्थिति के बारे में हम पता करेंगे। चलिए इसको फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए अब मैं इसे मिटाता हूँ और आगे में हम मूलों की स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। सिक्स नंबर जो है आपका मूलों की स्थिति, ठीक है, मूलों की स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। माना जो हम एक मानेंगे, माना एफ एक्स जो होगा आपका फंक्शन जो होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए और ए बी सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, यानी कि रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम पहले लिख लेते हैं कि माना एफ एक्स फंक्शन एक्स जो होना चाहिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जहाँ ये जो होना चाहिए डज नॉट इक्वल टू जीरो, और जो होना चाहिए ए बी सी जो होना चाहिए ए कमा बी कमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए मैं अब लिख रहा हूँ ए नंबर। ए नंबर क्या है आपका? इफ एक्स इक्वल टू जीरो के दोनों मूल ठीक है, कि दोनों मूल मूलों के एक विशिष्ट संख्या मूलों के लिख लो मूलों के एक विशिष्ट संख्या डी से एक विशिष्ट संख्या डी से बड़े होने का प्रतिबंध, डी से बड़े होने का प्रतिबंध, बड़े होने का प्रतिबंध है भैया, क्या होगा? डी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, वेयर ए इंटू एफ डी का वैल्यू जो होना चाहिए इज ग्रेटर देन जीरो होगा, एवं माइनस बी बाई टू ए जो होना चाहिए इज ग्रेटर देन डी हो, डी है, ठीक है ना, तो ऐसा हम लिखेंगे। ठीक है ना, ये प्रतिबंध हम लगाएंगे। यदि
दोनों मूलों के एक विशेष संख्या डी से बड़े होने का बड़ा हो तो वहाँ पर हम ये प्रतिबंध लगाएंगे। ठीक है। देखिए इसका जो बनेगा ग्राफ कुछ इस प्रकार का बनेगा, सीधे इस तरह। ठीक है, मान लो एक पॉइंट यहाँ पर डी रखा हुआ है, या तो ऐसा बनेगा या फिर ऐसा बनेगा। ठीक है, जहाँ पर ये जो होगा डी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो और ए इज होगा इज ग्रेटर देन जीरो। डी जो होना चाहिए इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। देखो डी से बड़े होने का प्रतिबंध, जो मूल हैं इसके डी से बड़ा है, आगे बढ़ोगे डी से बड़ा है, या फिर जीरो हो सकता है या फिर दो मूल हो सकते हैं, या फिर डी जो होगा एक पॉइंट इस तरह भी बनेगा, या तो ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है। बातें समझ में आ रही है? इसका फिगर ऐसा होगा तो यहाँ पर भी होगा डी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, या फिर यहाँ पर होगा ए इज लेस देन जीरो होगा। यदि ग्राफ जो होना चाहिए और ग्राफ ऐसा होना चाहिए तो क्या होगा, डी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो और ए इज ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पर डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और ए इज लेस देन जीरो होगा। बातें समझ में आ रही है? चलिए नोट कीजिए इसे ज़रा, और मैं मूलों की स्थिति बता के रहने दूंगा क्योंकि आप लोग 12वीं के स्टूडेंट हैं और मैं देख रहा हूँ कि वीडियो ये ज़्यादा बड़ी हो रही है, तो मूलों की स्थिति ही वनली वन बता के रहने दूंगा। चलिए इस नोट कर लिए होंगे, अगर नहीं नोट किए होंगे तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बी नंबर, इसी का फार्मूला जो है बी नंबर की हम बात करेंगे। यदि एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, एफ एक्स जो होना चाहिए जीरो के दोनों मूल, के दोनों मूल, ठीक है, के दोनों मूल के संख्या डी के विपरीत, के दोनों मूल के संख्या डी के विपरीत, डी के विपरीत और स्थित होने के विपरीत और स्थित होने के ठीक है स्थित होने के या दूसरे शब्दों में, या फिर दूसरे शब्दों में क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स, दूसरे शब्दों में लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो के मूलों के मध्य डी के होने का प्रतिबंध, के मूलों के मध्य डी के होने का प्रतिबंध, डी के होने का प्रतिबंध क्या होगा, ई डॉट एफ डी इज ग्रेटर देन जीरो होगा। यही एक प्रतिबंध इसमें लगेगा। देखिए या तो इसका ग्राफ ऐसे बन सकता है, डी यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ पर या तो ग्राफ इससे ऐसे बनेगा अपवर्ड, जो माउथ ओपन अपवर्ड हो सकता है, या फिर इसका ग्राफ जो बनेगा डी है ऐसे बन सकता है। दो प्रकार से ग्राफ बनेगा इसका। चलिए सी नंबर की बात करेंगे। एफ ऑफ एक्स इजकल टू जीरो के केवल एक मूल, के केवल एक मूल, केवल एक मूल का अंतराल, का अंतराल डी से ई के बीच, डी से ई में होने का प्रतिबंध, यानी कि डी से ई के बीच के मध्य, डी से ई में होने का लिखो, के मध्य ना लिखो, में होने का प्रतिबंध,
क्या होगा भैया? होने का प्रतिबंध, अर्थात जो होगा प्रतिबंध जो लगेगा d का जो होगा, d इज लेस देन x इज लेस देन e, ठीक है, d इज लेस देन x इज लेस देन e, और यहाँ पर जो लगेगा आपका प्रतिबंध f ऑफ d इंटू f ऑफ e का जो वैल्यू होगा इज लेस देन जीरो है। बातें समझ में आ रही है? चलिए इसका जो फिगर बनेगा, इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे बनेगा, d और एक पॉइंट है आपका e, ठीक है, तो इस तरह बनेगा। बातें समझ में आ रही है? या फिर माउथ ओपन और अपवर्ड हो गया, या फिर ऐसा बन सकता है d और एक पॉइंट है e, तो ऐसा बन सकता है, ठीक है। ये काट रहा है, दो भागों में काट रहा है, यानी कि इसका मतलब दो मूल होंगे, इसके बाद इसका मतलब समझ रहे हो, दो मूल होंगे। और मान लीजिए यहाँ पर ऐसे काट रहा है तो एक मूल होगा, ठीक है। चलिए नोट कीजिए फटाफट, और यहाँ पर दो एक फार्मूले और बताऊँगा और इसके बाद इसको बंद करूँगा, और मतलब दो तीन है इसमें फार्मूले। चलिए अब मैं इसे मिटाता हूँ। आपका एक बचा हुआ है कौन सा फार्मूला? डी नंबर आपका फार्मूला बचा हुआ है, डी नंबर। देखिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इजकल टू जीरो, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इजकल टू जीरो के दोनों मूल, के दोनों मूल, ठीक है, के दोनों मूल, मूलों के संख्याओं, यानी कि दोनों मूलों के जो संख्याओं हो, मूलों के संख्याओं, दोनों मूलों के संख्याओं जो होना चाहिए डी तथा ई, डी तथा ई, डी तथा ई, जहाँ जो डी होना चाहिए, डी तथा ई, जहाँ डी होना चाहिए इज लेस देन ई होना चाहिए। यहाँ पे डी इज लेस देन, पिछले वाला में कोई प्रतिबंध नहीं था, ठीक है, डी तथा ई के मध्य होने का प्रतिबंध, तो उसमें कोई प्रतिबंध नहीं था, लेकिन इसमें है डी इज लेस देन जो होना चाहिए ई होना चाहिए के मध्य होने का प्रतिबंध, ठीक है, के मध्य होने का प्रतिबंध। चलिए यहाँ पर देखते हैं, d इज ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो होगा, वहाँ पे प्रतिबंध लगेगा। a डॉट एफ डी इज ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है, a डॉट एफ ई इज ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है, और d का माइनस बी बाई टू ए का जो वैल्यू होगा ये जो होगा d से बड़ा होगा और e से छोटा होगा, ठीक है ना, इसे छोटा होगा, ठीक है। और इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं, तो ग्राफ कैसे बनेगा? जो होना चाहिए कि दोनों मूल के संख्या और डी तथा ई के मध्य, दोनों मूल जो होना चाहिए डी तथा ई के मध्य होना चाहिए, तो यहाँ पर डी है, यहाँ पर ई, माउथ ओपन अपवर्ड, डी तथा ई के मध्य ये दोनों मूल हो गए। या फिर इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, डी तथा ई, ऐसे भी हो सकता है, माउथ ओपन डाउनवर्ड, ठीक है ना। तो इसमें और भी मतलब फार्मूले है कि गुणनखंडों के दो चरों में व्यापक द्विघात समीकरण व्यंजक को गुणनखंडों के रूप में भी लिखा जा सकता है, ठीक है, तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए। और एक फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ आपको, खत्म ही कर दूं, चलिए आप नोट कर लिए होंगे, वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, मैं अभी से मिटा रहा हूं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फार्मूला है दो चरों में व्यापक द्विघात व्यंजक, ये टॉपिक है,
दो चरों में व्यापक द्विघात व्यंजक। ठीक है, देखिए द्विघात व्यंजक एक्स वाई, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी को दो रेखीय गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जाएगा, यदि कब लिखा जाएगा, यदि डेल्टा जो होना चाहिए उसका ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी जे एच स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो, या फिर जो आपका क्या हो सारणी में एच जी एच बी एफ इस तरह चले और ए जी एफ सी का वैल्यू जीरो हो, तब ये दो गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। तो लिख देता हूँ द्विघात व्यंजक ठीक है ना, द्विघात व्यंजक एक्स वाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इजिकल टू, हाँ सी को दो रेखीय गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, दो रेखीय गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे, यदि इसका प्रतिबंध होगा, यदि जो डेल्टा होगा यहाँ पे ए ए बी सी प्लस टू एफ जी एच प्लस माइनस एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर ठीक है ना माइनस सी एच स्क्वायर बराबर जीरो हो, या फिर सारणी में ए एच जी एच बी एफ और जी एफ सी का जो वैल्यू होना चाहिए जीरो के तुल्य होना चाहिए। ये बातें आपको समझ में आ गई, चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आपका जो द्विघात समीकरण का जो भी आपके फार्मूले हैं आपके ख़त्म हो चुके हैं, एक फार्मूले और बचा हुआ है, तो वो कभी मैं बता दूंगा, वो इसके अनुसार आप समझ में नहीं पाएंगे उस फार्मूले को। ठीक है, मैं उस टाइप से मतलब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे फार्मूला वो बना हुआ है, मैं बताऊंगा क्वेश्चन में। तो आप हमारी वीडियो देखते रहिए, ठीक है, और ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये फार्मूले आपको कैसी लगी, अगर आप यदि हर चैप्टर का ऐसा ही वीडियो चाहते हैं, ऐसे ही फार्मूले का वीडियो चाहते हैं, तो कृपया कमेंट में कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें इस चैप्टर का फार्मूले का वीडियो चाहिए। ठीक है, तो मैं आपके फार्मूले का वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, बना दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसी लगी, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया एक लाइक ज़रूर करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।